राइट गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा काफ़ी धमाका हुआ एपिसोड की शुरुआत में ही, और काफ़ी बेहतरीन एपिसोड हुआ पिछला एपिसोड, जिसमें हमने फाइंड करना है फक फेडरा गेट, हमने फाइंड कर लिया। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक मिनट ये काम नहीं करना है, सॉरी अली, ज़रा लोगों को बताने तो दो करना क्या हमें। तो ये हमने काम किया, फक फेडरा गेट है, उसके पास जो सरवीना होटल है जहाँ हमें पहुँचना है, WLF को फाइंड करना है जो कि आप लोग को दिख रहा है, वहाँ जाना है। तो उसके लिए हमें गेट खोलने के लिए गैस चाहिए, जो कि हम ढूंढते यहाँ पहुँचे और कुछ ज़ॉम्बी से सामना हो हमारा। प्लीज़ पिछला एपिसोड देखिए, अगर नहीं देखा तो मज़ा आएगा, और बहुत ही शानदार एपिसोड है यार अब तक का, काफ़ी मज़ा आ रहा है आगे। और आइए चलिए, फिलहाल हमें गैस फाइंड करना है, वो फाइंड करते हैं। और इन सालों ने मेरी एमओ ही खाली कर दी एकदम, ओह माय गॉड, कुछ है नहीं मेरे पास अब तो। लेकिन एक गन है ना मेरे पास, होल्ड ऑन। ओहो, हाँ ये वाली गन है, चलो थैंक गॉड यार, एक गन है जिसमें बुलेट्स अच्छी खासी है अभी भी। चलो देखो, थोड़े से बंच ऑफ इनिमीज आए, हम जबकि दो लोग थे तब भी यार क्या मैक्सिमम गोली ख़त्म हो गई। तो इसीलिए कह रहा हूँ एपिसोड के साथ बने रहिए, और प्लीज़ यार लाइक करिए इस एपिसोड को और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे एपिसोड आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। खून लाले लाल कर दिया इन लोगों को मैंने मार मार के। तो और भी कुछ है यहाँ पे, थोड़ी अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ, हेल्थ मेरी डाउन लग रही है। चलो बहुत बढ़िया, कुछ है और बनाने के लिए, क्राफ्ट करने के लिए अल्कोहल नहीं है फिलहाल तो। एक मिनट, ये मैं कर सकता हूँ, नहीं अभी ये भी नहीं कर सकता, कैनिस्टर नहीं है, एक्सप्लोसिव तो है। चलो काफ़ी आइटम्स है यार इनके पास, मैं देख नहीं रहा हूँ ध्यान से, और किस के पास है भाई, जल्दी जल्दी बता दो। अभी तक तो आपने देखा होगा क्लिकर्स और जॉम्बीज से ही हमारा सामना हुआ, लेकिन अभी और भी खतरनाक जॉम्बीज हैं, जो कि आप आगे जाके सामना होगा जब हम भी अपग्रेड होंगे, तो एनिमीज भी हमारे अपग्रेड होंगे। और ये कोर्टयार्ड में कुछ मिलेगा यार, गैस वगैरह कहाँ पर है, हद है यार। ओह आई थिंक दिस इज द गैस, हियर्स आवर गैस, फाइनली कम ऑन, नथिंग इसमें होगा, ओह माय गॉड, सीरियसली दैट जायंट टैंक, या टैप्ड आउट। यार ये मतलब इतने दूर हम ये डिब्बा खोजने सिर्फ आए थे गैस का, हद है यार, हद है, मतलब फिगर आउट करना है मे बी यहाँ से, नहीं यहाँ से तो कोई ओपन नहीं हो रहा यार, यहाँ से भी नहीं। ओके वी हैव समथिंग, कोई रास्ता होगा ज़रूर, आइए ढूंढते हैं, मिल ही जाएगा। ऑल राइट, दिस इज द प्लेस जहाँ पे निकलेगा, चलो जी चलो चलो निकलो निकलो। जंग लगे हुए गेट है। ओके लेट गो, गुड जॉब बेब, थैंक्स गॉड बेब,
Okay. Cross the courthouse off the list. Let's go find the dome. All right. It might be worth grabbing some supplies before we press on. Okay, कुछ है यहाँ पे? ओह एक मिनट यार, मैं क्या कर रहा था, बार बार मैप खोलना है तो मैं सप्लाईज खोल दे रहा था। एक मिनट गाइस, तो हमने ये नो गैस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे कोर्टयार्ड में, गैस बस हमें गैस का डिब्बा मिला जैसा कि आप लोगों ने देखा। एंड आगे बढ़ते हैं अब शिमर के साथ। ऑल राइट, इट्स वियर्ड बीइंग इन अ क्यूजी एंड नॉट हियरिंग ट्रक्स। ओके तो देन चलिए मूव करते हैं। गन फायर एंड एक्सप्लोजंस, माय सिस्टर ऑलवेज अवॉइडेड क्यूजीज। चलो 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 चलो, दैट्स प्रोबब्ली व्हाई She just got more and more paranoid. She'd sometimes wake up screaming in the middle of the night. That's rough. We always had a backpack so we could bail if something happened. Never stayed in one place for more than a few weeks. It sucked. It's nice to have a place we call home, right? अब जाएंगे कहाँ? कोई तरीका देखना पड़ेगा। ये तो वो वापस वहीं जाएंगे हम जहाँ इधर से आए थे। कोई और रास्ता ढूंढते हैं। आइए इधर, हमें गैस चाहिए अभी। गैस आई थिंक ये वाला एरिया जो था पक, ये फेडरा वाला सॉरी, यहाँ पे हम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था यार। जहाँ तक मुझे लगता है ये खुलेगा क्या? आई थिंक ऑप्शन तो आ रहा है, देखते हैं ट्राई। ऑलराइट नो, स्टक है यार। ठीक है क्या, हैव टिकट ready, show your ID card. I think हम यहाँ पे आए थे पिछली बार, हमने यहाँ से इधर हम मतलब इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया था यार। हाँ ऑल राइट, यहाँ से एक बार रास्ता है कोई? नहीं, मे बी फ्रॉम हियर, क्योंकि अभी तक हमें गैस नहीं मिला दोस्तों, सिर्फ उसका डब्बा मिला है। और गैस हमें ढूंढना है। ऑल राइट, ये रहा रास्ता। इधर से कोई नहीं, आई थिंक ये रास्ता रहा। नाइस, शूट, आई थिंक शूट। ओ नाइस, हाँ ऑफ कोर्स, अगर ज़ॉम्बीज वगैरह होंगे तो वो ही सस्पिशियस हो जाएगी। ऑल राइट, मैंने मुझे लगा ही था। Stay crouched in tall grasses make it more difficult for enemies to see. All right then. Total कितने हैं? दो हैं, ठीक है। Easy. बहुत बढ़िया। Nice. मुझे लगा उसको भी मुझे ही मारना पड़ेगा। बढ़िया किया, मार दिया इसने तो। एक मिनट, मेरे पास हेल्थ किट है ना, मॉकटेल्स बनाते हैं यार, मॉकटेल्स बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल्स हैं ही नहीं हमारे पास और साथ में कैनिस्टर भी नहीं है। नाइस एंड क्वाइट, चलो ठीक है, मॉकटेल्स काम आएंगे हमें। एक सेकेंड, गन्स में बुलेट्स भी नहीं है उतने, नो प्रॉब्लम हो। आगे बढ़ते हैं अब, मे बी और भी हो सकते हैं यार। ओके आगे बढ़ते हैं। रास्ता कहाँ से है? नहीं, ये रास्ता नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, ये रहा। होल्ड टू प्रून एंड हाइड इन द शॉर्ट ग्रास। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यार, कितने टोटल? एक दो तीन चार तो दिखाई दे रहे हैं मुझे, और हैं भी चार ही। ये शॉर्ट ग्रास है ना, तो यहाँ पे आपको रेंग रेंग के ही चलना पड़ेगा। ओके ऑल राइट देन। यार एक पंगा है ना यार कि ये घूम रहे हैं देखने वाले। क्लिकर्स को तो मैं मार सकता हूँ इस पीछे से, रिस्क तो लेना पड़ेगा मुझे।
रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। कमान 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 कमान, फास्ट फास्ट फास्ट। अरे उसको देखे, बहुत बढ़िया यार। क्या है कि मुश्किल था मारना, क्योंकि मुझे लग रहा था, हाँ आई थिंक सो, क्योंकि मुझे लग रहा था मुश्किल है मारना। इसको मारने से क्या हो ना कि ये बंदे ने देख लिया, कुछ है इनके पास। ओके अभी भी काफी अपग्रेड करना है अपन को, कुछ नहीं है, फकीर है साले के सारे, हद है यार हमारी। ओह चलो इनके पास कुछ तो मिला, हेल्थ हमारी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मॉकटेल्स बना लेते हैं, काम आएगा। अब आएगा ना अल्कोहल, तो ये बना लेंगे हेल्थ किट, क्योंकि ठीक ठाक है हमारे पास। और गन्स कितनी है हमारे पास? ओहो कुछ भी नहीं है यार, एमओ चाहिए हमें, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें है सिर्फ शॉटगन है। चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं, जो भी एमओ मिलेगा तो देखेंगे एमओ वगैरह, क्योंकि एमओ नहीं है हमारे पास फिलहाल। हमें गैस लेना है, जल्दी से गैस ढूंढते हैं और थोड़ा सा बस एरिया को इन्वेस्टिगेट कर ले, देन आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ से रास्ता है, गैस मिल जाए यार। इतना अभी तक इतना सारा घूम लिया, एरिया कवर कर लिया, लेकिन अभी तक गैस नहीं मिला हमें। होली शिट व्हाट द प्लेस इज यार, ओ माय गॉड, क्या नाम, क्या प्लेस है ये। ओ हो, देयर इज अ गैस, यहाँ पे गैस है यार, मतलब आई थिंक यहाँ पे मिल जाएगा फाइनली हमें गैस। आइए देखते हैं, पहले गैस लेते हैं देन फिर। दिस प्लेस इज अ सिनेगॉग। सिनेगॉग, व्हाट इज दिस, हाउ कैन यू टेल? वन, देयर आर मेनोरा डेकोरेशंस ऑन द वॉल, ओके, इट्स अ ज्यूइश थिंग, एंड टू, आई डिडंट बर्स्ट इन द फ्लेम्स जस्ट नाउ, सो burst into flames। छोड़ो जो भी है, हमारे काम का चीज ये गैस है, पहले गैस ढूंढते हैं। यहाँ पे गैस है भी कि नहीं, या फिर ये खाली है पिछली बार की तरह जहाँ से हमने डिब्बा उठाया। ये एमओ है आई थिंक, बहुत बढ़िया यार। होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन, एक मिनट। चलो जो गन में एमओ रहती है उसी को रेडी रखता हूँ मैं, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, कहीं भी एनिमीज आ सकते हैं। और कुछ है यहाँ पे? चलो नहीं है, ओह नहीं, फुल। कम ऑन, आई थिंक यहाँ पे गैस मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी यार, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे फिर। आई थिंक यहाँ पे होगी, मुझे जहाँ आ दिया एक डिब्बा दिया एंड देन फिर अब गैस फाइनली मिल जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। या आई थिंक सो, कम ऑन, यस, बहुत बढ़िया। चलो यार थैंक गॉड, अब हम सीधा उस फक फेड्रा गेट पे जाएंगे एंड देन फिर फाइनली वहाँ से सर्वीना होटल। ऑल राइट, चलो जी फाइनली यहाँ पे थोड़ा लूट करते हैं, जो भी सप्लाईज वप्लाइज मिलेंगी, एंड देन फिर फाइनली यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ में यार समय नहीं बिताना है। कम ऑन, खुल गया गेट, बहुत बढ़िया। एक मिनट, यहाँ पे कुछ है, ये दरवाजा खुलता है। नाइस, यहाँ पे बड़ा एरिया है तो कुछ सप्लाईज वगैरह भी होने चाहिए, देखते हैं। आइए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। चलो, आई सेड व्हेन वी लेफ्ट जैक्सन, I said one at Joel's grave. Sometimes I just say, attention from ordinary line, follow instruction, have a does it help? Identification ready. ये दोनों जो है वो जैक्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उस जगह के बारे में इन्हें बात कर देते हैं, हम अपना काम करते हैं। अब दो लोग साथ हैं तो मुंह बंद करके तो चलेंगे नहीं, बात तो करते रहेंगे।
तो लाइक दैट इन्हें करने देते हैं बात और हम अपना थोड़ा लूट कर लेते हैं यहाँ पर। और कुछ है लूटने के लिए? ये सब चीज़ें छोड़ देता मैं फिर। एक ही है लेकिन एक ही बहुत है। बूंद बूंद से तालाब भरता है, सॉरी सागर बनता है, जो भी बोलो गलत होगा तो। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, व्हाट इज दिस? नथिंग। चलो ऐसे जगह इन लोगों ने रखा है ना कि अब थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मिस कर जाओगे। तब अब ऐसा नहीं है कि मैं मिस करता हूँगा। ऑल राइट, आई थिंक कुछ बना सकते हैं। नहीं अभी भी नहीं। अल्कोहल्स चाहिए एंड कैनिस्टर चाहिए, ठीक है। ओके आई थिंक यहाँ पे काम ख़त्म हुआ। और कुछ यहाँ पे नहीं है। चलो ये वैसे पोडियम में लगता है, पोडियम जहाँ से मतलब पूरी हर हर कोई को बोला जाता होगा यहाँ पे खड़ा होके। एंड एवरीबॉडी लिसन। हाँ ये देखो यहाँ पे है कुछ। और कहीं कहीं है? और कहीं है? और दे दो यार भर भर के एकदम। लेकिन ये आप काफ़ी सारे वैसे हमने इकट्ठे कर लिए हैं। बस इधर तो नहीं, इधर हमने चेक कर लिया। यहाँ से तो हम गए थे ना, हमने कौन सा एरिया चेक नहीं किया है? हमें ये वाला एरिया अभी तक नहीं चेक किया, ये जो ऊपर में है। हम यहाँ से आए हैं और ये वाला एरिया चेक करना है। तो यहाँ पे चढ़ने के लिए कोई तरीका? हाँ एक तरीका है, एक तरीका है, एक तरीका है। ये वाला को हम वापस वहाँ ले जाते हैं अभी तो, क्योंकि और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा। यहाँ पे लगाते हैं ना तो आई थिंक कुछ होगा। कम ऑन, ओके कम ऑन कम ऑन, बहुत बढ़िया। चलो कैसे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर तो हमने चेक कर लिया था ना? हाँ इधर चेक कर लिया था। चलो 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 चलो, फास्ट फास्ट, थोड़ा पेशेंस रखना गाइस यार आप लोग, मुझे बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना। ओहो जैसा मैंने कहा था सब्र का फल मीठा होता है। स्क्रैप्स वगैरह मिल गए यहाँ पे कुछ? ऑल राइट और कुछ तो नहीं है यहाँ पे, देख लेते हैं इसके अंदर कुछ नहीं। नथिंग, नाड़ा। ऑल राइट इसमें क्या है? कुछ जॉम्बीज तो नहीं है? कभी कभी होता है कि जॉम्बीज निकल जाएंगे उसके अंदर से। वैसे इतने छोटे से जगह में निकलेंगे नहीं। स्क्रिप्चर, इट्स लाइक अ ज्यूइश बाइबल। ज्यूइश बाइबल, माय सिस्टर वुड हैव फ्लिप्ड फॉर दिस। द वन वी यूज्ड इन न्यू मेक्सिको वाज हाफ बर्नड। ऑलराइट वेल एट लीस्ट आई डिडन्ट जस्ट चक एवरीथिंग। चलो चलो चलो, हमें यहाँ पे अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना है। अगर क्रेटोस की भाषा में बोलूँ तो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें सप्लाईज चाहिए। है यहाँ पे कुछ और? एंड वहाँ से फिर हम, बहुत बढ़िया, थोड़ा मोमेंटम बनाओ। इट्स ओके, इट्स होल्डिंग। ओके ऑलराइट, थोड़ा मोमेंटम बनाओ लड़की। Alrighty then. Chalo, Dina, you also come. Right. Come on, some momentum. Come on, lady. Come on, come on. I think यहाँ पे और कुछ है नहीं अब। थोड़ा सा आइटम था यहाँ पे और। वाह यहाँ पे है कुछ नाइस। टैबलेट्स मिल गए, काफ़ी काम आएंगे अभी ये। काफ़ी सारे इकट्ठे कर लिए हमने टैबलेट्स आई थिंक। यहाँ पे क्या है? ये पेपर है, उठाओ इसे। ओके व्हाट इज दिस? लेफ्टिनेंट टॉरस ने लिखा है, जिसको भी हमें किसी काम का नहीं है। ओके ये कौन है? कोई होगा यार, हमें क्या मतलब। mm-hmm.
ऑल राइट। और तो यहाँ पे कुछ मुझे दिखाई दे नहीं रहा, व्हाट इज दिस? 5774, are we in the future? No doofus, that's a Hebrew calendar. हिब्रू कैलेंडर है, अच्छा। ऑलराइट ऑलराइट, निकलते हैं यहाँ से यार, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधा ओके। ओह, दैट डज साउंड प्रीटी गुड। Jewish holidays are all about food. Okay. Gate. Alrighty then. Okay guys, तो अब सीधा आगे बढ़ते हैं। And finally, एक सेकेंड बस मैं जरा देख लूँ मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, हमने इतने सारे कर लिए काम कंप्लीट। चलो okay, हम चलो कमान गेट सम पेट्रोल गैस जो भी है, एंड देन फिर जनरेटर को ओपन करते हैं और निकलते हैं यार यहाँ से। दिमाग ख़राब हो गया यार, कब कब सोच लो, इतना एरिया हमने सिर्फ किसके लिए किया, सिर्फ गैस ढूंढने के लिए, और ये ईस्ट टू के इस गेट को खोलने के लिए। ऑल राइट राइट, आई गॉट इट, ऑल राइट। ओह व्हाई नॉट, अच्छा कोड क्या था? कोड भी मुझे याद नहीं। एक मिनट, यहाँ कुछ है? व्हाट इज दिस? नथिंग, रुक जाओ पहले जरा देख लूँ ये क्या है, पता ना क्या है, जो भी है रख लेते हैं। इडियट्स, चलो यहाँ पे कुछ ये खुला है क्या? नहीं, चलो बंद है। ऑल राइट, पहले एक मिनट यार, मुझे जरा कोड देख रहे, तो मुझे कोड याद नहीं है यार। एक मिनट, ये है आई थिंक, क्या? नहीं ये नहीं है, हाँ ये रहा, चेक पॉइंट कोड्स ईस्ट 25345। ओके ऑल राइट, 5345, गॉटचा, नाइस। All right guys, so we are headed to Servina Hotel. All right, और चलते हैं, ये Servina Hotel ये रहा, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये एरिया हमें इन्वेस्टिगेट करना था। Wolf. Wolf, I think. WLF, of course. I get it. Yeah. Oh yeah, that makes sense. यानी कि इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में हैं, वो तो आप जानते ही हम, और अब हम पहुँच चुके हैं बहुत करीब से। WLF के साइन है वैसे। यहाँ पे कुछ है लूटने के लिए? लॉक है यार ये तो, क्या लॉक करके क्या कर लेंगे, कुछ खोल देते तो अच्छा रहता हमारे लिए कुछ। व्हाट इज दिस? नो आईडिया व्हाट टू डू हियर। ओके, मेबी वी कैन गेट ओवर देयर। कहाँ से? ओह ठीक है, ढूंढते हैं पहले। मैं इधर वैसे भी सप्लाईज ढूंढ रहा हूँ कि क्या पता सप्लाईज मिल जाए इधर। जाने के एरिया तो देख लेंगे कहीं से भी, वो तो निकाल लेंगे अपन लोग। You see that? Infected just hop that fence. Oh, means we can get in that way. Of course. तो जब infected कर सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं ना यहाँ से। हम तो यार इंसान ही हैं। I don't know what's going on. तो I think इधर तो और कोई रास्ता नहीं है, सारे के सारे बंद है यार। तो चलो इधर से निकलते हैं, Servina Hotel चलते हैं एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं इस पूरे एरिया को। और यहाँ पे इन्फेक्टेड भी होंगे, ईजी। तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ है लूटने उठने के लिए, सप्लाईज वगैरह लगता तो नहीं है। चलो आओ, आ गया, आइए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमीज मिलेंगे और साथ में बहुत सारे सप्लाईज भी, क्योंकि ये होटल है यार। ओह माय गॉड, दे आर टू मेनी आई थिंक। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक काम करते हैं, मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, मॉकटेल्स को। अब जरा यूज़ करते हैं। आजा आजा बाहर, आजा बाहर, आजा। तो वैसे ही मर रहे हैं सारे के सारे यार। आजा आजा आजा, कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे हमारा।
मर गया ऐसे ही कैसे ही। कुछ है इनके पास? नहीं। अरे तू जिंदा कैसे बच गया रे? मेरी निशाना कमजोर है। मैं हेडशॉट लेने के चक्कर में ना मार खा लेता हूँ हर बार दोस्तों, सॉरी उसके लिए, माफ़ करना यार प्लीज़। हेडशॉट लेना चाहता हूँ मैं, इस वजह से इतना पास में आ जाता हूँ। इनके पास काफ़ी कुछ है यार। ओ राइफल की एमओ भी है। नाइस नाइस नाइस। व्हाट हैपेंड? This one's fresh, and he's got one of those wolf patches. WLF. Guess they didn't make it out with their gas after all. That's good, right? If those fuckers who killed Joel got taken out by some random infected, then they'd still be dead, Ellie. I'm not sure that's justice. Okay. Might as well grab what we can while we're here. वैसे तो WLF कहीं याद नहीं लगता है, और बुरी तरीके से, मतलब इसकी अतड़िया तक निकाल दी इन जॉम्बीज ने। वो खा रहे थे तभी मैं समझा कि यहाँ पे कोई इंसान है, इसका मतलब जॉम्बीज नहीं है कोई, जो कि बुरी तरह से ट्रैप हो गया है। ओके गाइस, तो आइए चलिए जरा इस काफ़ी बड़ा एरिया यार, यहाँ पे पूरा एरिया को सर्च मारते हैं, छान मारते हैं, एक भी सप्लाईज नहीं छोड़ेंगे। कुछ एनिमीज़ को मारा, ज़्यादा तो थे नहीं यहाँ पे, एक ही एमओ यार मुझे चाहिए। हेल्थ किट तो थोड़ी मैं बढ़ा लेता हूँ, एक मिनट फुल कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा ना। चलो बहुत बढ़िया। और भी और कितने हैं मेरे पास? अभी टोटल एक ही है। चलो अच्छी बात है, ये मॉकटेल्स हो गया, और ये वाली गन रखते हैं ऑन हमेशा। कुछ बन सकता है? ओह थैंक गॉड, हेल्थ किट बना लो यार। हेल्थ किट एकदम फुल रखना है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। ऑल राइट देन, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे ढूंढते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ऑफ कोर्स यहाँ पे। अल्कोहल्स बहुत बढ़िया। कोई भी चीज़ें फुल दिखाए ना तो वहाँ तुरंत आप क्राफ्ट कर लो, कि कोई दिक्कत ना हो आपको आगे, क्योंकि आपको आगे पता है बहुत सारे एनिमीज आएंगे जिनसे हमारा पाला पड़ेगा, और अभी हम उतने अपग्रेड नहीं है। नहीं है फुल दिखा है, तुरंत क्राफ्ट करो। वैसे तो मैं हेडशॉट लेने के चक्कर में मार खा जाता हूँ हर बार। ग्राउंड फ्लोर पे इतनी इतनी सारी आइटम मिल गई तो मतलब सोचो आगे और कितना मिलेगा, क्योंकि ये होटल है यार, होटल में इतने सारे रूम्स होंगे तो क्या कुछ मिलेगा। इधर में तो कुछ नहीं है, और एक मिनट देख लूँ देन फिर वहाँ चलेंगे। नहीं, ओ गैस, इतने सारे गैस यार। We need any more. We know where to get it. Yeah, of course. बढ़िया ना यार, कम से कम अगर और भी गैस हमें चाहिए होंगे तो हम यहाँ से जाके ले सकते हैं। कहाँ से? सर्वीना होटल से। नाम तो याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, आइए। ओह माय गॉड, यहाँ पे किसी को मारा गया है यार, और ये शॉट किया गया, मतलब किसी इंसान के द्वारा। यहाँ पे वो खड़ा होगा, पीछे गोली लगी, दो गोली के निशान है, और साथ में खून के भी इसके, क्योंकि जॉम्बीज मारते तो पूरी तरीके से शरीर का चिथड़ा कर देते हैं वो लोग, लेकिन इसका शरीर पूरा फ्रेश है, सिर्फ बंदूक की गोली लगी हुई है। ओह मैं डर गया यार, अचानक से डीना यहाँ पे आ गई। ऊपर में भी रास्ता है, यहाँ पे कुछ नहीं, इधर कुछ है? ऊपर चलते हैं, ऊपर जाने का रास्ता है? नहीं, चलो कोई नहीं। Recognize this one either. ओके, ये रिकॉग्नाइज करने का मतलब, आप लोग बार बार पूछ नहीं, रिकॉग्नाइज दस नॉट इधर, मतलब इसको भी मैं नहीं पहचान पा रही, इसको नहीं। ये उन्हीं लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही है जो लोग जोल को मारने के लिए आए थे, क्योंकि वो ओवेन को, मेल को, और एक बंदा और था, हाँ एक एबी, इन तीन को ही मैं तो जानता हूँ, मुझे भी खुद ही तीन याद है सिर्फ। होते तो मैं रैक्स ले सकता था। चलो कोई नहीं, अब तो नहीं ले सकता। ये ले लो, ये ले लो। आई थिंक ये कितने हो गए हमारे पास? वाह 115। बस अब जल्दी से वर्क बेंच मिल जाए यार, मज़ा आ जाएगा। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ है नहीं बाथरूम में, ये रैक्स तो ले नहीं सकता, फुल है। अल्कोहल मिलेगा तभी मैं कुछ बना सकता हूँ। ऑल
आईटी देन यहाँ पे कुछ नथिंग नाड़ा ओके व्हाट इज दिस पीआरईपी प्रिप ट्रेनिंग मैनुअल रिवील न्यू अपग्रेड ब्रांचेस ऑल राइट प्रिप और सर्वाइवल गाइड फॉर द साइलेंट मेजोरिटी ओके न्यू अपग्रेड अवेलेबल व्हाट ये अनलॉक हो गया हमारे पास क्राफ्ट मिली वीपन्स फास्ट क्राफ्टिंग क्रैक स्मोक बॉम्ब क्राफ्ट स्मोक बॉम्ब्स क्राफ्ट इम्प्रूव्ड हेल्थ किट्स क्राफ्ट मोर स्मोक बॉम्ब्स बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ तो खुला ही नहीं है सिर्फ ये देखो ये सब खुला ही नहीं है हमारे पास लेकिन फिलहाल हम वर्क बेंच पे जाएंगे क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें दोस्तों वो है आपकी गन्स और आपकी हेल्थ तो मैं पहले गन्स को प्रायोरिटी दूंगा एंड देन हेल्थ को एंड देन उसके बाद स्मोक बम वगैरह मोनो कॉकटेल्स पेट्रोल बम जो भी है कैनिस्टर वगैरह ब्ला 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 आगे बढ़ते हैं आ जाओ ओके यहाँ पे कुछ है नथिंग ओहो होल्ड ऑन ओके व्हाट इज दिस चलो यार छोड़ो मुझे ना पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं है ये सब चीज़ें जरूरत होती है तब भी पढ़ता हूँ होल्ड ऑन काफ़ी बड़ा है मैंने बोला ना आप लोगों को कि इसीलिए हमें पेशेंस रखना जरूरी है कार्ड्स फिलहाल कार्ड्स देखने का कोई शौक नहीं एक रूम बच गया ये वाला आइए इसमें चलते हैं ओके सिनेमेटिक व्यू यानी कि यहाँ पे कुछ मिलेगा व्हाट ये तो बंदा है लेकिन इसे ऐसा लग रहा है इंटरोगेट किया गया है पैर भी बांधे हुए हैं हाथ भी बांधे हुए हैं The fuck happened here? Tommy did this. What? This? Tommy? No way. That was definitely him. यार बुरी तरह मारा है टॉमी ने ऑल राइट यानी कि ये उन्हीं बंदों में से एक है जो जोल को मारने के लिए आया था जिसको इसने एक को तो पहुंचा दिया और बाकी को हम पहुंचाएंगे Shit. There's another one over here. ओके एक और है ओ माय गॉड यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है ठीक है EAST ईस्ट करके कुछ नंबर लिखे हुए हैं ईस्ट वन में भी कुछ He was using them against each other. How? Joel told me about this. You ask this guy a question, but you don't make him say it, you make him write it down. And then you ask this guy, and if the facts match, you're telling the truth. Oh, nice. ये तो बढ़िया है यार अच्छे तरीका है ये कोड लिखा हुआ है आई थिंक किसी गेट का ईस्ट वन समथिंग कोड है हाँ ये देखो लिखा है ना ईस्ट वन 7302 ऑफ कोर्स जितने हमने अब तक देखे नॉर्थ टू ईस्ट टू ब्ला ब्ला कोड ही लगता है ये और यहाँ पे इसका मतलब ये फैक्ट है कि टॉमी यहाँ से गुजर चुका He can't be far off. Yeah, of course. वो ज़्यादा दूर इसका मतलब है नहीं अब yeah. बहुत जल्दी मिल जाएगा हमें Come on, Len. Come on, then. All right. Okay, काफ़ी बुरी तरह मारा लेकिन ये अच्छा इंटरोगेशन क्या कि दोनों को बैठाओ एक रूम में या फिर अलग अलग रूम में yeah. और एक से सवाल पूछो और दूसरे से भी सवाल पूछो मैच किया तो ठीक मारो साले को आपको एक बात बता दूं आप लोग ओह ये क्या है अगेन रैग्स रैग्स लेकिन यार हमारे पास है ही नहीं ना अल्कोहल की मैं बना सकूं तो दो दो रैग्स मैंने देखो छोड़ दिया और ये मैं स्वैप नहीं करूंगा ये हथौड़ा क्या करूंगा हैमर मुझे नहीं चाहिए ये अच्छा है क्रॉसबो इसे काफ़ी अच्छा इफेक्टिव वार होता है आई थिंक अब यहाँ कुछ नहीं है हमारे पास
देन गेट आउट फ्रॉम सर्वीना होटल, लेट्स गो। ओके ऑल राइट गाइस, तो आज के एपिसोड की यही समाप्ति करते हैं। अगले एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन एक बात यहाँ तो साफ पता चलती है कि It wasn't pretty. एक मिनट इनको बातें कर रहे हैं थोड़ा। Ellie, if I had my sister's killers tied to a chair, I'd do worse. I hear you. हो गई मोहतरमा आपकी बातें हो गई। चलो जी, तो मैं वही बता रहा था दोस्तों कि इतना तो तय हो गया कि टॉमी हमें लग रहा था कि यहाँ इस रास्ते आया है कि नहीं आया, मतलब तक हमें मतलब शक था, लेकिन अब तो यकीन हो गया कि ये जो इंटरोगेशन है ये बुरी तरीके से WLF के सोल्जर्स का, वो टॉमी ने किया, और उनमें से एक वो बंदा था जो जोल को मारने आया था। तो ऑल राइट, तो टॉमी ज़्यादा फार है नहीं, तो अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से जर्नी और पता करेंगे कि टॉमी कहाँ है, कहाँ तक पहुँचा, और आगे कौन कौन से खतरा हमारे लिए इंतज़ार कर रही है आगे। ऑल राइट, तो अगले एपिसोड में आप लोगों से मिलूंगा। ख्याल रखिए अपना और प्लीज़ घर पर।